हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हाउ डीएनएस एक्चुअली वर्क्स, और डीएनएस में अगर हम बात करें व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्वर्स इन द डीएनएस, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में जो लास्ट पॉइंट आपको बताया था वो क्या था कि डीएनएस की क्वेरी जो होती है वो सॉल्व कैसे होती है, या तो रिकर्सिव तरीका है या आइट्रेटिव मोड है। मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। अगर हम बात करें सबसे पहले रिकर्सिव की, तो रिकर्सिव का मतलब क्या है कि मशीन जो हम होस्ट या मशीन अगर हम बोले, तो जैसे ही मैंने मशीन में अपना ब्राउजर ऑन किया, ब्राउजर ऑन करते ही मैंने वहां पे क्या लिखा, लेट से लास्ट वीडियो में मैं एग्जांपल लिया था क्रिक इन्फो का, तो मैं क्रिक इन्फो का एग्जांपल ही ले रहा हूं। मैंने क्या लिखा, टाइप किया http://www.crickinfo.com। तो क्रिक इन्फो क्या है, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम जैसे हम यहां पे सर्च करेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए, आईपी। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप वन क्या है कि क्रिक इन्फो का आईपी हम सबसे पहले कहां ढूंढेंगे, लोकल कैश में, या उसको हम बोलते हैं डीएनएस रिजॉल्वर। तो यहां पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको बता दूं कि हम यहां पे यूज करते हैं डीएनएस कैशिंग। डीएनएस कैशिंग का मतलब है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो डीएनएस के रूट सर्वर्स हैं वो 13 ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बार बार रिक्वेस्ट आपकी उन रूट सर्वर्स पे नहीं जाती, अदरवाइज ये तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो क्या होता है कि आपका जो आईएसपी है जो लोकल वहां पे कैश करके रखता है, जो मेजर यूज्ड आपके जो सारे डोमेन नेम्स है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उनको वहां पे रखता है। तो जैसे ही वहां पे सर्च किया हमने क्रिक इन्फो का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आईपी मिल गया, तो मैं वहीं पे उसको आईपी को रिवर्ट बैक कर दूंगा और मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो तो एक सिंपल सा केस हो गया, बेस्ट केस आप उसको बोल सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर लेट्स से कि मैं फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को ऑन कर रहा हूं, तो फर्स्ट टाइम में तो वो डीएनएस कैश में नहीं होगा, तो कैश में लाने के लिए तो उसको हमें प्रॉपर ढूंढना पड़ेगा रूट सर्वर में जाके। तो उसमें हम यूज करते हैं क्या, रिकर्सिव या आइट्रेटिव मोड। अगर हम बात करें रिकर्सिव की, रिकर्सिव मोड में काम कैसे होता है, तो सबसे पहले हमने लोकल कैश में ढूंढा, लोकल कैश में वो नहीं मिला, जैसे ही लोकल कैश में नहीं मिला अब मेरी सर्चिंग जो है वो प्रॉपर स्टार्ट होगी। तो रिजॉल्वर, इसको आप डीएनएस रिजॉल्वर भी कह सकते हो, तो रिजॉल्वर अब क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, रूट सर्वर पे जाएगी रिक्वेस्ट, रूट सर्वर ढूंढेगा कि अच्छा आपको ये पर्टिकुलर क्रिक इन्फो डॉट कॉम चाहिए, तो डॉट कॉम है, तो डॉट कॉम का मतलब कमर्शियल, तो उसके बाद वो टॉप लेवल डोमेन सर्वर जो जेनरिक नेम्स है वहां पे आपकी रिक्वेस्ट जो है जाएगी। देन वो जब रिक्वेस्ट वहां पे गई, वो रिक्वेस्ट जाने के बाद वो रिक्वेस्ट आगे फिर फॉरवर्ड किसको होगी, अथॉरिटेटिव सर्वर्स को, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अथॉरिटेटिव सर्वर्स पे एक्चुअल में आईपी एड्रेसेस पड़े होते हैं। तो जिस अथॉरिटेटिव सर्वर पे वो जाएगी रिक्वेस्ट, वो टॉप लेवल के सर्वर्स डिसाइड करेंगे, रिक्वेस्ट आपकी अथॉरिटेटिव पे गई और अथॉरिटेटिव से आपको आईपी एड्रेस मिल गया, आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो मिल गया क्रिक इन्फो को, लेकिन अभी आपके पास नहीं पहुंचा, यहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी वापस आ रही है। फिफ्थ स्टेप, देन इट विल गिव इट बैक टू द रूट सर्वर, नाउ रूट सर्वर विल रिस्पोंड मी बैक, वो रिस्पोंड करेगा, दिस इज द स्टेप नंबर 7। एंड फाइनली स्टेप नंबर 8 में क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जो है वो आईपी एड्रेस जो है वो क्रिक इन्फो का मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे पास आ गया, अब मैं क्या करूंगा या मेरी मशीन क्या करेगी, अब उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का मतलब क्या, उसमें क्या होता है, आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, तो जिस नेटवर्क पे हमें उसको ढूंढना है उस नेटवर्क पे हम उसको ढूंढेंगे, वो नेटवर्क तो कहीं और होगा, तो वो नेटवर्क पे हम जाके डेटा को सर्च कर लेंगे। सो दिस इज हाउ द रिकर्सिव मोड वर्क्स। अगर हम बात करें आइट्रेटिव मोड की, तो आइट्रेटिव मोड में काम कैसे चलता है, आइट्रेटिव मोड में यहां पे फंडा जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आइट्रेटिव मोड में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आपकी सेम वैसी लोकल कैश में अगर मिल गया तो बेस्ट, अदरवाइज मैं रूट सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजूंगा। रूट सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, रूट सर्वर अब किसको ढूंढेगा, रूट सर्वर बोलेगा इस कमर्शियल एड्रेस पे, इस टॉप लेवल डोमेन सर्वर पे जाओ, लेकिन उसका एड्रेस क्या है, क्योंकि ये सर्वर भी कहीं ना कहीं होस्ट है, हर एक सर्वर किसी ना किसी नेटवर्क में, किसी ना किसी होस्ट में पड़े हैं, तो उसका आईपी एड्रेस क्या है वो मुझे देगा, मतलब यहां पे लोकल कैश या डीएनएस रिजॉल्वर को देगा। अब डीएनएस रिजॉल्वर, यहां पे स्टेप नंबर 3 हो गया, अब फिर डीएनएस रिजॉल्वर वहां पे जाएगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पे
और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाने के बाद ये वाला सर्वर बोलेगा अच्छा आपको क्रिक इन्फो का चाहिए, तो क्रिक इन्फो का पर्टिकुलर अथॉरिटी सर्वर पे पड़ा है और उसका एड्रेस ये है, जो भी एड्रेस है वो मेरे पास आ गया। देन मेरी रिक्वेस्ट फिर डायरेक्ट उस पर जाएगी अथॉरिटी सर्वर पे। अब अथॉरिटी सर्वर क्या बोलेगा, ओके यू आर लुकिंग फॉर दिस आईपी, आपको ये वाला आईपी चाहिए, दिस इज द आईपी एड्रेस, एंड देन फाइनली द आईपी एड्रेस विल बी गिवन बैक। सो दिस इज हाउ द एक्चुअल थिंग वर्क। तो दोनों में स्टेप तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हमने रूट सर्वर को रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी। यहाँ पे जैसी रिक्वेस्ट गई हमने रूट सर्वर का काम खत्म, लेकिन रिकर्सिव में रूट सर्वर तब तक बना रहेगा क्योंकि रूट सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वापिस रिक्वेस्ट को हैंडल करने की। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएनएस से रिलेटेड, डीएनएस में अगर हम बात करें, या कई बार क्वेश्चन आया हो कि क्या डीएनएस टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है या यूडीपी प्रोटोकॉल को, तो डीएनएस यूज करता है यूडीपी प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है, फास्ट है, टीसीपी पहले थ्री वे हैंडशेकिंग के ऊपर काम करती है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि यूडीपी का यूज कहां कहां पे है, उसमें मैंने किया हुआ एक्सप्लेन कि वाई डीएनएस इज एक्चुअली यूज्ड, क्योंकि हमें यहां पे फास्ट रिप्लाई चाहिए। मेरा मेन मोटिव तो क्रिक इन्फो पे कोई डेटा को सर्च करना है, कोई मैच का स्कोर देखना है, मेरा ये मेन मोटिव नहीं है, ये तो बैकएंड पे हो रहा है। तो ये बैकएंड पे जो काम हो रहा है इसमें मैं चाहता हूं कि बहुत ही फास्ट होना चाहिए, तो वो फास्ट फिर टीसीपी नहीं करेगा क्योंकि वो तो थ्री वे हैंडशेकिंग पे काम करता है, यूडीपी फास्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई यूडीपी इज एक्चुअली यूज इन द डीएनएस, एंड दिस इज द बेसिक ऑफ रिकर्सिव एंड आइटरेटिव मोड। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनएस। थैंक यू।